पौरी में खनन माफियाओं ने नायब तहसीलदार और उनकी टीम को घेर कर किया लाठी डंडों से जानलेवा हमला। छुड़ा ले गए जेसीबी और ट्रैक्टर। शिवपुरी जिले के पौरी में बेकौफ खनन माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। अवैध उत्खनन कर मुरम ले जा रहे ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी पर कार्रवाई के दौरान खनन माफियाओं ने नायब तहसीलदार और उनकी टीम पर हमला कर दिया और मौके से ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी छुड़ा कर फरार हो गए। बामुश्किल जान बचाकर भागे नायब तहसीलदार ने घटना की रिपोर्ट पौरी थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पोहरी तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार प्रमोद सिंह तोमर, राजस्व निरीक्षक राजेंद्र ओझा पटवारी, मुकेश बघेल, बंटी गोलिया, हेगेंद्र सिंह राठौर के साथ मुहर्रम त्योहारों में लॉ एंड ऑर्डर का निरीक्षण करने परासरी जा रहे थे। तभी रास्ते में एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली मुहर्रम का अवैध उत्खनन करते हुए मिले। नायब तहसीलदार की टीम को देखकर जेसीबी का ऑपरेटर और ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गए। नायब तहसीलदार द्वारा जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर को जब्त कर पोहरी थाने लाया जा रहा था, तभी एक 4 व्हीलर एक बाइक से 6 लोग आए, जिनके नाम मनोज पुत्र मथुरा धाकड़, मुकेश पुत्र मथुरा धाकड़, आनंद पुत्र ब्रजमोहन धाकड़, भरत पुत्र मथुरा धाकड़ व अन्य 2 लोग मौके पर आए। नायब तहसीलदार ने बताया कि आते इन लोगों ने इस जब्ती नामा के कागज मुझसे छुड़ा कर फाड़ दिए और मेरे साथ व पटवारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी और वीडियो बनाना चालू कर दिया और वीडियो बनाकर बोलने लगे कि ये सब दारू पिए हैं, इनका वीडियो बनाकर वायरल कर दो कि तहसीलदार और पटवारी दारू पी कर आए और कार्रवाई करने लगे, जिससे ये लोग ही बदनाम हो जाएंगे। हम लोगों के फोन छुड़ा कर बंधक बना लिया गया, हमसे गाड़ी की चाबी छुड़ा ली और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी और हमें धमकी देकर बोलने लगे कि इन सब को काट कर फेंक दो, इन सब पर 376 व हरिजन एक्ट लगवा देंगे और मुझसे राजस्व निरीक्षकों व पटवारियों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और एक कागज पर ये लिखवा लिया कि हमारे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है और छुट्टी वाले दिन कार्रवाई करने क्यों गए थे जांच में पाएगा, जेसीबी से कोई खुदाई नहीं हुई है। हम में से एक पटवारी हेगेंद्र सिंह राठौर मौके से किसी प्रकार से भागा, जिसने भागकर एसडीएम सर और तहसीलदार मैडम को फोन लगाकर घटना की सूचना दी। जेसीबी को घटनास्थल से ये लोग भगा कर लेगा, उसके बाद हमको धमकाया, पुलिस को सूचना दिया, कोई कार्रवाई की तो 376 लगवा देंगे, हम पहले भी 376 लगवा चुके हैं, तुमको मरवा कर कहां फेंक देंगे पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे घर वालों को, वहीं तुम लोगों की लाश भी नहीं मिलेगी और गंदी गंदी गालियां देने लगे, वहीं वहां से चले गए। उसके बाद हम लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकले, हम लोगों को सिर हाथ पैर में बहुत सारी चोटें आई हैं। पुलिस ने नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर से 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।